हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो जिसमें हमने जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ा है, उसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ लेटेस्ट है, कुछ पुराने हैं, देर इज़ अ मिक्स ऑफ क्वेश्चन। तो देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है कि 5 ईयर ओल्ड गर्ल अटर्स, एक 5 साल की बच्ची बोलती है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, गर्ल्स डू नॉट प्ले विथ कार्स। किसी ने उसको कार गिफ्ट में दी होगी, तो वो 5 साल की बच्ची बोलती है कि मेरे लिए नहीं है, जो गर्ल्स हैं वो कार से नहीं खेलती। जब उसको गिफ्ट मिलता है तो वो ये बोलती है। तो अगर वो इस तरह से बोल रही है तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? क्या ये जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या ये जेंडर रेलेवेंस है, स्टीरियोटाइपिंग है, स्टेबिलिटी है? कि अगर वो 5 साल की बच्ची, इतनी छोटी बच्ची है, कह रही है जब उसको कार गिफ्ट में मिली है कि मेरे लिए नहीं है, तो बॉयज़ खेलते हैं कार्स के साथ, गर्ल्स नहीं खेलती हैं। तो जैसा हमने पढ़ा कि ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब कुछ इस टाइप के बिलीव्स हैं जो हमारे को सोशलाइजेशन के थ्रू इतने ज़्यादा हमारे अंदर इनग्रेन कर दिए जाते हैं कि जिनको हम लॉजिकल मानना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी बेस, विदाउट एनी लॉजिक। तो यहाँ वो बच्ची ये मान रही है कि कार्स तो बॉयज़ के लिए होती है, गर्ल्स के लिए तो टॉयज़ में डॉल होती है या किचन सेट होता है। तो एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग उसके अंदर, एक माइंड में स्टीरियोटाइपिंग हो रखी है कि कुछ चीज़ें जो जेंडर के अकॉर्डिंगली अलग अलग होती हैं। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है, टीचर ऑलवेज आस्क बॉयज़ टू डू टास्क सच एज मूविंग द फर्नीचर। एक टीचर है जो बॉयज़ को हमेशा फर्नीचर मूव करने जैसा टास्क देती है जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व होती है, और गर्ल्स को कहती है टू कीप द क्लास टाइडी एंड डेकोरेटेड, और गर्ल्स को बोलती है कि तुम्हारा काम है क्लास को साफ सुथरा रखना। जैसे कि आमतौर पे माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई काम है घर में तो मेल करते हैं, और अगर साफ सफाई से रिलेटेड है तो फीमेल करती है। तो टीचर क्लास में इस तरह से ड्यूटी बांटती है। तो इस परसेप्शन, दैट परसेप्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ये परसेप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट। तो ये स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है कि आइडेंटिटी का है, स्टेबिलिटी का, इक्वालिटी का है। तो ऑब्वियसली ये भी एक स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है, बिकॉज टीचर के माइंड में भी, क्योंकि वो भी इसी कल्चर में पली बड़ी है टीचर, उसको भी जो बचपन से सोशलाइजेशन के थ्रू वो सीखी है, तो उसी को चीज़ को अनइंटेंशनली, बेशक उस टीचर का इंटेंशन नहीं है, पर अनइंटेंशनली कई बार क्लास में इस तरह ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं बाय द टीचर्स, जिससे पता चलता है कि देर इज़ अ जेंडर स्टीरियोटाइप। वो ही इसका आंसर है, जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट आता है, बॉयज़ आर ऑफन गिफ्टेड कार्स एंड मैकेनिकल ब्लॉक्स। जैसे अभी बात हुई थी कि बॉयज़ को ज़्यादातर कार्स और ब्लॉक्स वगैरह दिए जाते हैं, मैकेनिकल ब्लॉक्स होते हैं ना, जिससे बच्चे जोड़ के मैकेनिकल कार्स और आइटम्स बना लेते हैं, अलग अलग टाइप की रोबोट्स बना लेते हैं। और गर्ल्स को वहीं पे डॉल्स दे दिया जाता है या ड्राइंग वगैरह की सप्लाइज दे दी जाती है। तो ये प्रैक्टिस से हमें क्या पता चल रहा है? दिस प्रैक्टिस शोज कि क्या है, जेंडर कॉन्स्टेंसी है, इक्विटी है, बायस है या एम्पावरमेंट है। तो जेंडर कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि कोलबर्ग अपनी थ्योरी में बोलते हैं कि जब बच्चे जो होते हैं वो 7 साल के आसपास के पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उनका जेंडर कॉन्स्टेंट है, स्टेबल है। तो वो तो वहाँ से आया है वर्ड। इक्विटी मैंने आपको बताया था, इक्विटी का मतलब होता है कि जब रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द जेंडर डिवाइड करा जाए, रैदर देन इक्वल, जो जिसकी नीड है उस हिसाब से रिसोर्सेज दिए जाएँ, सपोर्ट दी जाए। जेंडर बायस यहाँ पे आंसर है, बिकॉज ये बायसनेस ही तो शो हो रही है कि एक को कुछ और दे रहे हैं, दूसरे को कुछ और। और मतलब ये यहाँ पे क्यों कॉमन नहीं है कि कोई भी टॉय, कोई भी गेम किसी के लिए भी हो सकती है, इररिलेवेंट ऑफ द जेंडर। लेकिन देर इज़ अ डिस्टिंक्शन कि अगर लड़की है तो उसको डॉल देना, लड़का है तो उसको कार देना। तो दिस शोज जेंडर बायसनेस। नेक्स्ट है, जेंडर बायस होता क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो क्या आएगा उसमें? जेनेटिक डिफरेंस होता है जो बॉयज़ और गर्ल्स में। जेनेटिक डिफरेंस तो जो होता है उसको तो जेंडर बायस हम नहीं बोलते हैं। जो आप कह सकते हो, जो हमारे क्रोमोसोम्स में फ़र्क होता है या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, उसको हम सेक्स बोलते हैं, इट इज़ नॉट जेंडर। वो बायोलॉजिकल है और जेंडर सोशियोलॉजिकल है। परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज रिलेटिवली फेमिनिन एंड मैस्कुलिन इन कैरेक्टरिस्टिक। हम खुद को जब हम एक मैस्कुलिन और फेमिनिन की तरह देखते हैं, तो यहाँ पे भी बिकॉज परसेप्शन ऑफ सेल्फ की बात हो रही है, तो सेल्फ की परसेप्शन तो होती नहीं है, तो सोसाइटी की परसेप्शन होती है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यू टू फिजियोलॉजी। क्या उनके फिजिक की वजह से जो डिफरेंस होता है उसको जेंडर बोलते हैं? नहीं बोलते।
डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड, यहाँ पे सोसाइटी का रोल आता है कि किस तरह उनको दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है क्योंकि उनसे जो एक्सपेक्टेशन है कल्चरल एटीट्यूड की वजह से वो अलग अलग है। ये आपकी डेफिनेशन है जेंडर बायस की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी। जो बच्चों के अंदर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जैसा कॉन्सेप्ट आता है या उनके जो जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी करने की जो आदत हो जाती है उनको कि मुझे अपने जेंडर की तरह ही बिहेव करना है, उस चीज़ को कम करने के लिए, उस डिफरेंस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट वी कैन डू डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। हमें जेंडर बायस के ऊपर बात करनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि उनके आसपास जो चीज़ें हो रही है उनके वो चीज़ें किस तरह से सही हैं नहीं हैं। एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, क्या हमें उनको जेंडर स्पेसिफिक रोल बताने चाहिए कि तुम्हारा जेंडर का ये काम है, अगर मेल है तो उसका ये काम है, फीमेल का ये। जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप, क्या उनके प्ले ग्रुप अलग अलग बना देने चाहिए, फीमेल का अलग मेल का जेंडर वाइज अलग अलग होना चाहिए। जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, क्या क्लास में उनको अलग अलग बिठाना चाहिए जेंडर वाइज, एक जेंडर के अलग बैठेंगे दूसरे, तो ये सारे गलत है। इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है कि उनके साथ जेंडर बायस के ऊपर बात करी जाए, बच्चों को अवेयर कराया जाए, उनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो कि जेंडर बायसनेस क्या होती है और कैसे कंट्रोल करना चाहिए इन चीज़ों को, कैसे हमें बायस नहीं होना चाहिए। दिस विल रिड्यूस दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पे बात हो रही थी तो टीचर ने क्या करा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, टीचर इज पोजिंग क्वेश्चन मोस्टली टू बॉयज़ नॉट टू गर्ल्स। अब यहाँ पे भी देखो अनइंटेंशनली होता है कई बारी कि क्रिकेट की बात होती है तो बॉयज़ की तरफ ध्यान जाता है और उनसे पूछा जाता है ज़्यादा रेदर देन गर्ल्स। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, अगेन दिस इज जेंडर बायसनेस, क्योंकि बायसनेस है कहीं ना कहीं माइंड में, तो ये वही शो कर रहा है कि एक जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। नेक्स्ट है मैन जनरली थिंक विद देयर हेड्स एंड वुमेन विद देयर हार्ट्स। ये एक स्टेटमेंट है कि जो मेन होते हैं वो यूजुअली अपने दिमाग से सोचते हैं लेकिन जो लेडीज होती हैं वुमेन होती है वो अपने दिल से सोचती हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेनेटिक डिफरेंस है बिटवीन टू सेक्सेज है, जेंडर कॉन्स्टेंसी है, ये दोनों तो है ही नहीं। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप में क्या फ़र्क होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है जब हमारे स्टीरियोटाइप हमारे एक्शन में बदल जाते हैं, जैसे अगर हम कोई खिलौना या कोई गिफ्ट लाए हैं या हमारे पास कोई चीज़ है देने के लिए किसी को, तो वो हम अपने दोनों घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और हम उसको उठा के एक लड़की को ना दे के एक लड़के को दे रहे हैं, तो वो जो हमारी स्टीरियोटाइपिक थिंकिंग है वो हमारे एक्शंस में दिख रही है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है जब हम अपने बिहेवियर में जो चीज़ शो कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी बिहेवियर की कोई बात नहीं हुई, यहाँ पे जनरल एक स्टेटमेंट की बात हो रही है, जो स्टेटमेंट एक बिलीफ है जो आपको ये दिखा रहे हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप है, बिलीफ है, माना जाता है कि मेन जो है वो अपने दिमाग से सोचते हैं और वीमेन जो है वो अपने दिल से सोचती है, तो एक बिलीफ है, तो दिस इज जब बिलीफ की बात हो तो जेंडर स्टीरियोटाइप। आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक्स एंड मीडिया वुड एनकरेज। अगर हम इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया, कि आपके बुक में या मीडिया में किस तरह से जेंडर्स दिखाए जाते हैं, कितना जेंडर का डिफरेंस दिखाया जाता है या किस तरह से जेंडर, जैसे मान लो आपने क्लास में बच्चों से पूछा कि बच्चों आपकी क्लास की जो बुक का जो लेसन है उसमें क्या दिखाया गया है कि फीमेल को कैसे दिखाया हुआ है, वो क्या कर रही है, वो किचन में काम कर रही है, उसने क्या पहना हुआ है, एक मेल को कैसे दिखाया गया कि मेल ऑफिस जा रहा है और उसने फॉर्मल कपड़े पहने हैं और वो घर के काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके अगर बच्चों के अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग डाली जाए या क्रिटिकल क्वेश्चन उनसे पूछे जाएं कि आपकी सारे बुक्स में ऐसा क्यों दिखाया गया है, किसी बुक में ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई कि मेल जो है वो किचन में काम कर रहा है, या मीडिया में कभी ऐसा क्यों नहीं दिखाते हैं, तो जब इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या एनकरेज करती है, किस क्या चीज़ को एनकरेजमेंट मिलती है। क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, आप स्टीरियोटाइप्स को क्वेश्चन कर रहे हो। स्ट्रेंथनिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी, क्या आप जेंडर कॉन्स्टेंसी को स्ट्रेंथन कर रहे हो, क्या आप जेंडर आइडेंटिटी रीइन्फोर्स कर रहे हो या जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्करेज कर रहे हो, तो इसका आंसर है क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, आप स्टीरियोटाइप्स को क्वेश्चन कर रहे हो।
आप उनके अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डाल रहे हो कि वो क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों है, क्यों इतना फर्क है, डिफरेंस है। नेक्स्ट है, व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन क्लास, तनुज टेल्स हिज फ्रेंड दैट ही विल पार्टिसिपेट इन जेवलिन थ्रो एंड हिज सिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन जंप रोप बिकॉज शी इज अ गर्ल एंड गर्ल्स कैन नॉट थ्रो जेवलिन। तो कोई कंपटीशन है स्कूल में, स्पोर्ट्स कंपटीशन है क्लास में, तो जो तनुज है उसने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं जैवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करूंगा और मेरी जो सिस्टर है वो जंप रोप में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि गर्ल्स तो वीक होती है, वो जैवलिन थ्रो कैसे करेगी, उसके लिए तो स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये मानना है तनुज का। नाउ इससे क्या पता चलता है, इज इट जेंडर इक्वालिटी और इज इट जेंडर इक्विटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो ऑब्वियसली दिस इज अगेन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। और ये डिस्क्रिमिनेशन अगर कैसे होता, अगर तनुज उसको रोकता, तनुज वो चीज़ अपने बिहेवियर में भी दिखाता और अपनी बहन को पार्टिसिपेट करने से रोकता है कि तुम जैवलिन थ्रो कैसे करोगी, तुम तो एक लड़की हो, तो वो अगर उसको रोकता तो वो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता। या उसका टीचर अगर उसे रोकता कि आप उसमें मत करो, आप तो गर्ल हो तो आप जो है उसमें जंप रोप में चले जाओ, तो जब वो बिहेवियर में शो हो रहा है तो देन दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर, इंडिकेटर इज यूज टू मेजर द चेंजेस इन द स्टेटस एंड रोल ऑफ वुमेन एंड मैन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा इंडिकेटर है जो ये मेजर करता है क्या चेंजेस हुए हैं ओवर टाइम स्टेटस में, दोनों जेंडर्स के स्टेटस में, रोल में, ओवर टाइम क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो कौन सा इंडिकेटर उसके लिए यूज़ किया जाता है? सो दिस इज जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर, जो जेंडर सेंसिटिव हो, जिससे हम ये देख सकें कि हम इतने सालों में किस तरह से जेंडर रोल या जेंडर स्टेटस चेंज हो रहा है, जो अब हम देखते भी हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ें बदल रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है, पर वो भी बहुत लिमिटेड परसेंटेज ऑफ पीपल है जिनकी सोच बदली है। लार्जली अभी भी ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती हैं कि एक मेल जो है वो घर का काम करे और फीमेल बाहर से कमा के लाए। तो दिस इज जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर। जेंडर लेंस रेफर्स टू, व्हाट इज अ जेंडर लेंस? तो जेंडर लेंस में क्या आएगा, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर, प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी टू जेंडर इश्यूज बोथ या नन। तो इसका आंसर बोथ है आपका, दोनों चीज़ें आती हैं जेंडर लेंस में। एक तो क्रिएटिंग अवेयरनेस क्रिएट करना जेंडर इश्यूज़ के बारे में, एंड प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी टू जेंडर इश्यूज़, जेंडर इश्यूज़ को बाहर लेके आना, लोगों को अवेयर करवाना, विजिबिलिटी देना, उसको बोलते हैं जेंडर लेंस। जेंडर लेंस क्यों बोला, क्योंकि लेंस क्या करता है, फोकस करता है, तो जेंडर लेंस के थ्रू हम इन इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी फॉर जेंडर कंस्ट्रक्शन? अब जेंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब है जो जेंडर रोल्स हमारे अंदर जो आते हैं, जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आती है या जेंडर बायसनेस जो होती है, वो उसके लिए प्राइमरी कौन रिस्पॉन्सिबल है सबसे पहले? तो सबसे पहले प्राइमरी एजेंसी है फैमिली, क्योंकि सबसे पहले फैमिली ही है जहाँ से सोशलाइजेशन सीखता है बच्चा। और सोशलाइजेशन में ही जब वो घर में ही देखना शुरू कर देता है कि मम्मी का रोल अलग है, पापा का अलग है, मम्मी कुछ और काम करती रहती है, पापा कुछ और करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के काम एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, उनका फिक्स है और उनका अलग फिक्स है, तो घर से ही सोशलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है कि जेंडर अलग अलग है दोनों के और काम भी अलग अलग है। तो फैमिली इज़ द प्राइमरी एजेंसी। अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट जेंडर बिहेवियर इज, अब सोशलिस्ट क्या कहते हैं कि जो जेंडर का बिहेवियर है ये अर्नड है, बायोलॉजिकल है, गिवन है कि लर्नड है? अर्नड तो वो चीज़ होती है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, कोई चीज़ हम कमा रहे हैं, अर्नड है। तो जेंडर बिहेवियर इज़ नॉट वेरी, जो हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर बायसनेस है, ये अर्नड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बहुत रिस्पेक्टफुली कमा रहे हैं। ये बायोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल होता है तो उसको सेक्स कहते हैं, उसके लिए तो अलग वर्ड यूज़ होता है। गिवन नहीं है, इट इज़ लर्नड, ये लर्नड है, लर्न थ्रू सोशलाइजेशन, इट इज़ लर्न थ्रू सोशलाइजेशन। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ क्रोमोजोम विच डिफाइन अ जेनेटिक मेल। तो अगर हम बायोलॉजिकल जेंडर की बात करते हैं, जब हम जिसको सेक्स बोलते हैं, तो एक मेल सेक्स में कितने, कौन से सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं? तो इट इज़ द एक्स वाई क्रोमोजोम एंड फीमेल में XX होते हैं। So this was your last question and these were the important questions which are asked from the topic gender as a social construct. और भी questions होते हैं इससे related, आप पुराने previous paper में जाके देख सकते हैं। And if any doubt you can always ask
through the comments, and please share, like, subscribe, and thanks for watching.